कभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी, हंस भी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल अंधेरे टूट गए सारे सपने, सपने हो सके ना टूट गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज मिलो नई सुबह, उत्तर बंगाल में भवैया एक प्रचलित लोक संगीत है। भवैया गाने वाला हरीश निरक्षर होने के बावजूद शिक्षा और अज्ञानता से संबंधित गीत गाया करता था। अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी उसके हृदय में जीवन के लिए एक अलग नजरिया था और वहीं से उसने एक बेहतर जिंदगी की जरूरत महसूस की। उसे मिला एक नया जीवन, एक नई सुबह। ओ कियो मोर काठल कोठर दू तोहरा हारी हे, अल्प बयसे करुनु तुई मोग जानो मेहर बाऊ दिहिया, अल्प बयसे करुनु तुई मोग जानो मेहर बाऊ दिहिया। দিন রে দুতরা হাতাত রে নে ও বারণ করে মোর বাপ রে মা, যে দিন রে দুতরা হাতাত রে নে ও বারণ করে মোর বাপ রে মা, বারণ করে মোর পাড়া পড়োশী, ও কিয় মোর কাঠল কোঠার দুতরা হারি হে, অল্প বয়সে করুনু তুই মোগ জানো মেহের বাউ দিহিয়া, যদি রে দুতরা রাখিস মোর মান শুনা দিয়া তোর বান্ধাম রে কান, যদি রে দুতরা রাখিস মোর মান শুনা দিয়া তোর বান্ধাম রে কান, রূপা দিয়া তোর বান্ধাম দুই নয়ান, ও কিয় মোর কাঠল কুঠার দুতরা হারি হে, অল্প বয়সে করুনু তুই মোগ জনমের বাউ দিহিয়া, অল্প বয়সে করুনু তুই মোগ জনমের বাউ দিহিয়া। কিউরে হরিশ, আজি আয়া ক্যা? হ্যাঁ কাকা, इस बार कहाँ जाना सुना है तूने? बहुत जगह घूमा काका, वो आसाम के ग्वालपाड़ा से कमक्षा तक। तब तो काफी कमाई की होगी। हाँ थोड़ी बहुत तो हुई ही। तो इस बार गांव के मेले में रहेगा ना? देखें, जानते हो ना काका, गाकर भी भीख नहीं मिलती। अरे हाँ,
बाहर के कुछ लोग तुझे खोजने आए थे आज, बहुत जरूरत है उनको। कौन थे कहो तो? वो कोई नाटक मंडली थी, गाकर नाटक करते हैं, लोगों को साक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं काका, इस उम्र में पढ़ने लिखने वाला नहीं मैं, चला घर चला, एक महीना हो गया बीवी बच्चों से मिले हुए। इतने दिनों बाद बीवी बच्चों की याद तो आई। अपने में ही मस्त रहता है, दम पागल है। पागल पर किसी काम का नहीं। माँ, बाबा की आवाज है ना, अब मजा आएगा। बाबा आ गए, बाबा आ गए। क्यों जी, ठीक तो हो ना? क्यों बेटा, तू कैसा है? हाँ, तुम इतने दिन बाहर रहते हो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख कितनी सुंदर बांसुरी, मुझे बजाना सिखा दोगे बाबा? हाँ, तुझे सिखा दूंगा। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज भी नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। घर पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं, उधार पे जी रहे हैं, खुशी नहीं होगी? ये देखो ये तुम्हारी साड़ी। मेरे लिए लाए हो? हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर है। और ये है तुम्हारा आलता, क्यों पसंद आया? हाँ। और ये है तुम्हारी बिंदी, देखो अच्छी तरह देखो। हाँ, और तुम कह रही थी ना रुपया, ये देखो रुपए। इतने रुपए? इस बार मेले में गा के मैंने बहुत नाम कमाया, कितने लोग गांव वाले शहर वाले सब मेरा गाना सुन के बिल्कुल पागल हो गए। सच कह रहे हो? जानती हो, दिल्ली की टेलीविजन कंपनी के लोग आए थे। वाह। हाँ, वो मेरा फोटो भी ले गए। सच्ची? हाँ रे बेटा सच्ची। रामू और बातें नहीं, हाँ जाओ अब स्कूल जाओ, स्कूल में देर हो जाएगी ना। माँ, आज स्कूल नहीं जाऊँगा। अच्छा, आज उसे स्कूल मत भेजो ना, मैं तो इतने दिन बाद आया। नहीं जी, उसे और मत बिगाड़ो, और आज तो आधे दिन ही स्कूल है, कल पूरा दिन छुट्टी है, बाबा के साथ बहुत बातें करना, जाओ। अच्छा, हम जैसे गरीबों को लिखने पढ़ने से क्या फायदा बताओगी? ना जी, देखो ऐसा मत बोलो, आज के जमाने में अनपढ़ होने से चलेगा? ये घर अकेले चलाने में मुझे एहसास हुआ है। रामू जाओ बेटा, स्कूल जाओ। बड़ी भूख लगी है भाई, दो कुछ खाने को दो। हाँ तुम जरा बैठो, मैं अब भी कुछ लाती हूँ। ए जी, दो दिन पहले कुछ लोग दूसरे गांव से आए थे, बोले तुम्हारी उन्हें जरूरत है। कौन थे बोलो तो? हाँ, सिद्धू काका भी कह रहे थे। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर वो कुछ साक्षरता जैसे कुछ बोल रहे थे। इस उम्र में मैं लिखना पढ़ना नहीं सीख सकता। नहीं, वो कुछ और ही कह रहे थे, तुम्हारे गाने के बारे में कुछ कह रहे थे, वो जो कन्हा चाचा है ना, उनके पास पता छोड़ कर गए हैं। तब तो आज ही जाना पड़ेगा। नहीं जी, दो दिन आराम करके परसों चले जाना। नहीं, ये ठीक नहीं, काम की बात है, गाने का मामला है, मैं बस गया और आया। इस बार साक्षरता के लिए जो नाटक करेंगे, उस नाटक के बारे में आप सभी को पता है। उस नाटक में एक गायक का चरित्र है, उस चरित्र को निभाने के लिए हमारे बीच कोई अभिनेता अभिनेत्री नहीं है, हमने एक को खबर भेजी है, हम देखते हैं अगर कल तक वो आप। मेरा नाम हरीश है, मैं सिद्धेश्वरी गांव में रहता हूँ। अरे अरे अरे, आइए आइए आइए, आपको तो खोज रहे थे हम।
आपके गाने की बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत दिनों से आपको खोज रहे हैं, असल में बहुत जरूरत है आपकी। इस उम्र में मैं लिखना पढ़ना नहीं सीख पाऊंगा, हाँ इसके अलावा मेरे लायक कोई और सेवा हो तो मैं जरूर करूंगा। देखिए हम लोग किसी पर जोर नहीं करते, दरअसल हम साक्षरता के बारे में नाटक कर रहे हैं, उस नाटक में अनेक गाने हैं, एक गायक की खोज है, आप अगर हमारे साथ जगह जगह घूमकर नाटक में गाना गाएं तो बहुत उपकार होगा। अरे इसमें क्या है, मैं भी गा देता हूँ। तो आइए आइए आइए। লেখা পড়া না শিখিলে বইয়ের পাতা না পড়িলে চুপু থাকতে রইলা তুমি কানা, এই সংসার বিষয় আশয় যাহা বলি শুন মহাশয়, এই সংসার বিষয় আশয় যাহা বলি শুন মহাশয়, অনেক কিছুই থাকবে যে আর জানা। ঠিক আছে ঠিক ঠিক। আরে লেখা পড়া না শিখিলে বইয়ের পাতা না পড়িলে চুপ থাকতে রইলা তুমি কানা, আরে এই সংসার বিষয় আশয় যাহা বলি শুন মহাশয়, এই সংসার বিষয় আশয় যাহা বলি শুন মহাশয়, অনেক কিছুই থাকবে যে আর জানা। লেখা পড়া না শিখিলে বইয়ের পাতা না পড়িলে, লেখা পড়া না শিখিলে বইয়ের পাতা না পড়িলে চুপ থাকতে রইলা তুমি কানা, আরে এই সংসার বিষয় আশয়। रामू बहुत रात हो चुकी है बेटा, जा सो जा, तेरे बाबा को आज बहुत देर होगी। नहीं बाबा जब तक नहीं आते जागता रहूंगा। शाबाश, जैसा बाप वैसा बेटा। इतनी देर क्यों लगाई बाबा, मैं कब से बैठा हूँ तुमसे बांसुरी सीखने के लिए। तुझे कुछ नहीं सीखना होगा, मेरा बेटा है तो मेरी तरह तू भी खुद ही सीखेगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चल बाबा। बाबा एक मछली पकड़ी है। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात जानते हो बाबा, ये मछली तुम्हारा बाजा सुनकर इधर आ गई थी। ये बात है। हाँ तो कहना पड़ेगा मछली को गाना पसंद आया। ऊपर आ, 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 आ शाबाश। बाबा मछली को छोड़ दूं? अच्छा बाबा सभी मछलियां गाना समझती है। हो सकता है, मैं तो ठहरा अनपढ़ गंवार। जैसे सब इंसान गाना पसंद नहीं करते वैसे ही सब पशु पक्षी मछलियाँ भी गाना पसंद नहीं करती। वैसे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं जानता है? क्या? संगीत सुनकर पागल हाथी भी शांत हो जाता है। उस बार मेले में क्या हुआ था जानता है? बाबा क्या हुआ था बोलो ना बाबा, बोलो ना ओ बाबा बोलो ना। भाई बोलो भतीजा बोलो यो, अरे यो भाई बोलो भतीजा बोलो यो, अरे यो जीवन संपत्ति रूपा कुर्बी बंबा तेरा पीछे देहर जीवन रे जीवन रे जीवन छड़िया हना गश्मोती जीवन छड़ी
दुनिया दिले आदर कर बिताए जीवन रे ओ जीवन रे जीवन छड़िया हना जासमो जीवन छड़िया दिले आदर कर बिताए जीवन रे मायर कंदन नौला झौलायो जीवन बुहने कंदन सहारोहार जमन मायर कंदन नौला झौलायो जीवन बुहने कंदन सहारोहार इतने दिनों के बाद तुम पकड़ में आए, अब भागेगा कहां? चल। जानते हैं आप लोग, ये दोनों इस इलाके के नामी डाकू, बहुत बार डकैतियां की हैं, बहुत बार पुलिस की कोशिश के बाद भी भाग चुका है। आज ये सुर के जादू में फंस गया है। ए, इसे गाड़ी में उठाओ, चल। धन्य हूं भाई गायक, धन्य है तुम्हारी सुरकला, आज तुम्हारे ही जरिए आसामी तक पहुंच सका, शुक्रिया। अच्छा बाबा, पकड़े जाने पर उन डाकुओं ने तुम्हारी तरफ एक बार भी देखा था? अरे रुक ना, ये एक ही कहानी तो और कितने बार सुनेगा। वाह, तुम्हारे लिए तो कह रहा था मैं। मैं भी ये 3 बार सुन चुकी हूँ। खैर तुम जो भी बोलो, मुझे उन लोगों के लिए दुख हो रहा है। हाँ, मुझे भी उनके लिए पहले थोड़ा सा दुख हुआ था जरूर, लेकिन बाद में लगा कि वो भी रामू की तरह संगीत के दीवाने रहे होंगे, फिर बुरी संगत में पड़ के बुरे बन गए। ये जो तुम कल जा रहे हो, जिनके संग जा रहे हो, देखो वो लोग अच्छे हैं तो? मेरे बारे में तुम्हें इतनी फिक्र की कोई जरूरत नहीं, ये लोग अलग किस्म के हैं। तुम ही तो कहते हो पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं, और अब उनके साथ गाँव गाँव घूमोगे, साक्षरता के लिए गाना गाओगे? बाबा कल फिर चले जाओगे? क्यों, किसी और के बाबा तो उनको छोड़कर नहीं जाते? वो लोग तो खेती बाड़ी करते हैं ना। तुम भी क्यों खेती बाड़ी नहीं करते? सबको तो हर काम नहीं आता। क्यों नहीं आता? तब तो तुम्हें भी हमें छोड़कर बाहर नहीं रहना पड़ेगा। हरी को क्या सब काम आता है बेटा? वो इस गाँव में जो इतने सारे लोग है, तेरे बाबा के जैसा गाना किसी को आता है? दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो, इस बार बहुत देर नहीं करूंगा। तुमने ये कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा। क्या? मेरी जमीन बहुत ऊंचाई पे है और बिपिन की जमीन बहुत नीचे, एक बार पानी पड़ने से कई दिनों तक रहता है, अब यही बात मैं बिपिन को समझा रहा था। तो नीचे हो तो क्या हुआ, नीचे हो तो क्या हुआ, समय पे पानी नहीं मिलने से फसल 10-12 दिन तक पिछड़ जाता है रे। तभी मैंने कहा, भाई शमशेर अपने खेत की मेड़ काट दे और मेरी जमीन तक पानी बहने दे। वो कहता है नहीं काटूंगा, तुम ही कहो, ये सुनकर किसे गुस्सा नहीं आएगा? वाह, गर्मी चढ़ गया। ए, बस बंद कर चुप। देखो ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कह देता हूँ, और हमारा बात सुनोगे कि नहीं तुम लोग? इसीलिए कहता हूँ साक्षरता केंद्र जाओ और वहाँ जाके लिखाई पढ़ाई करो। अरे यही संसार विषय आशय जहा बोली सुन महाशय, अरे यही संसार विषय आशय जहा बोली सुन महाशय, अनेक किछुई थाकबे जे अजाना। আরে রইবি বসে কত কাল, কি হয়েছে তোদের হাল, দেখ না চেয়ে নিজের ভালো মন্দ। আরে রইবি বসে কত কাল, কি হয়েছে তোদের হাল, দেখ না চেয়ে নিজের ভালো মন্দ। আরে শিখার পরশ পাইলে পরে আসবে সুদিন ঘরে ঘরে, শিখার পরশ পাইলে পরে আসবে সুদিন ঘরে ঘরে, কেটে যাবে মনের সকল বন্ধ। আরে কেটে যাবে মনের সকল বন্ধ। আরে ল
লজ্জা শরম থাকলে ভাই ক্ষতি বিনা লাভ নাই, শিক্ষার কোনো বয়স থাকে না। আরে লজ্জা শরম থাকলে ভাই ক্ষতি বিনা লাভ নাই, শিক্ষার কোনো বয়স থাকে না। তাই সিলে বুড়া সুরি সোডা দলে দলে আয় গো তোরা, সিলে বুড়া সুরি সোডা দলে দলে আয় গো তোরা, অক্ষর গুলা রইবে না অচেনা, আরে অক্ষর গুলা রইবে না অচেনা। অদম হরিশ চন্দ্র ভনে শুনো সবাই বন্ধুগণে, অদম হরিশ চন্দ্র ভনে শুনো সবাই বন্ধুগণে, এমন সুযোগ মিলিবে না আর, আরে এমন সুযোগ মিলিবে না আর। শিক্ষার আলো জ্ঞানের আলো আরে ঘরে ঘরে সবাই জালো, শিক্ষার আলো জ্ঞানের আলো ঘরে ঘরে সবাই জালো, আরে গুছের যাবে জীবনের আন্ধার। আরে লেখাপড়া না শিখিলে বইয়ের পাতা না দেখিলে क्या हुआ रामू, इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ बाबा को प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। आज मेरे मास्टर जी यही बात कर रहे थे, बाबा सारे जिले में गाने में फर्स्ट आए हैं। सच कह रहे हैं बेटा? हाँ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पर अपने जिले के एक विशेष कलाकार को हम यहाँ सम्मानित करेंगे, जो हमारे जिले के भवैया संगीत के एक कुशल कलाकार हैं। मैं आशा करूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने साक्षरता के हमारे कार्यक्रम में सहायता की है, जिस प्रकार गांव-गांव में घूमकर अपने गानों के माध्यम से आम जनता में एक प्रेरणा जगाने की कोशिश की है, वो कोशिश वो आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। मैं इस मंच से उन्हें धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज हम सबसे पहले मंच पर बुला रहे हैं श्री हरीश राय बर्मन को, उन्हें हम लोग एक पदक, एक मानपत्र और नकद 1001 रुपया देंगे, और ये पुरस्कार हमारे जिला शासक महोदय के हाथों से उन्हें दिया जाएगा। मैं हरीश बाबू से अनुरोध करूंगा कि यहां आकर आप लोगों के सामने मानपत्र पढ़कर सुनाएं। आइए आइए आइए। क्या हुआ? पढ़िए पढ़िए। लगता है इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। दीजिए मैं पढ़ देता हूं। ये सोने का है?
ये मेरे सामने से हटा ले और दूर कहीं फेंक दे इसे। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये मेडल। चाहिए हरीश भाई, आप तो कलाकार है ना। आपने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। पता है मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ, मैं अनपढ़ हूँ ना। इसमें निराश होने की क्या बात, इतने दिन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अब जान लेंगे। मतलब इस उम्र में? हाँ, आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। आइए ना हमारे साक्षरता केंद्र में। नहीं नहीं, ये अब क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं, उन्होंने तो ठीक ही कहा, जाओ ना तुम भी साक्षरता केंद्र में। भाभी आप भी चलिए ना। मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखना पढ़ना तुम्हें भी आना चाहिए। अरे वाह, मेरा स्कूल सवेरे और माँ बाबा के रात में। या सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी, है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी में बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल छीन अंधेरे।